हेलो, वेलकम। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। जैसा कि मैं बता दूं फ्रेंड, मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज फ्रेंड एक न्यू टॉपिक, एक न्यू वीडियो। जैसा कि मैं बता दूं फ्रेंड, आज मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मालवीय क्लासेस। अच्छे तरीके से जानते होंगे आप मालवीय क्लासेस, जो चैनल आज हैक हो चुका है। ओके, जैसे कि मैं बता दूं आपको, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको जाके प्रेस करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको, उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलो वीडियो चालू करते हैं फ्रेंड। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक मालवीय क्लासेस एक स्टडी चैनल था जो बहुत अच्छी तरीके से आपको स्टडी कराता था। मैं और किसी की क्या कहूँ फ्रेंड, मैं खुद अपनी कहता हूँ, मैंने खुद उस चैनल से स्टडी की थी। जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ फ्रेंड्स, स्टडी चैनल था, बहुत अच्छा चैनल था, उसने करीब 1 ईयर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की थी। और वो 2-3 दिन से मैं उनकी वीडियो देख रहा था, वो स्टूडेंट के ऊपर अनशन पे बैठे थे, स्टूडेंट कोई बेरोजगार ना रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी भर्ती थी वो रुकी हुई थी उसके लिए वो अनशन कर रहे थे। इसी वजह से मेरे को तो लगता है फ्रेंड, इसी वजह से उनका चैनल बैन हुआ है, क्योंकि वो कुछ अनशन कर रहे थे, स्टूडेंटों के लिए कुछ कर रहे थे, कुछ कर उजरने की उनमें वो थी इसलिए। ओके फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं फ्रेंड, मालवीय क्लासेस एक बहुत अच्छा चैनल था। मैं आज भी उस चैनल को याद करता हूं दिल से, क्योंकि मैंने भी उसी चैनल से स्टडी करके SSC का पेपर निकाला था। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। आपको रिकवर कुछ नहीं करना, आप ट्विटर चलाते हो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ 2 वर्डों का यूज करना है। आप ट्विटर चलाते हो, उस पर आप सिर्फ हैशटैग, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्विटर आप यूज करते हो, उस पर आपको यूज करना है हैशटैग। ओनली 4 हैशटैग यूज करने होंगे। सबसे फर्स्ट हैशटैग है ब्रिंग बैक हैशटैग, हैशटैग ब्रिंग बैक मालवीय क्लासेस। ओके फ्रेंड, और आपको दूसरा हैशटैग जो यूज करना होगा, हैशटैग जस्टिक कमल मालवीय सर। ओके सर, आपको यूज नहीं करना होगा, सिर्फ हैशटैग जस्टिक कमल मालवीय सर या फिर कमल सर। ओके फ्रेंड, मैं आपको स्क्रीन पे ले दूंगा ऊपर। और चौथा जो तीसरा हमारा वो होगा जस्टिक कमल मालवीय क्लासेस, जो हमारा तीसरा वो होगा हैशटैग, वो होगा जस्टेड कमल मालवीय क्लासेस। और चौथा जो मैं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स आपको हैशटैग, उसका नाम होगा हैशटैग YT इंडिया। इसको हम हैशटैग यूट्यूब इंडिया भी बोल सकते हैं, हैशटैग YT इंडिया भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड, जैसा कि मैंने फ्रेंड बताया आपको, क्योंकि जो चैनल जल्दी ग्रो होता है ना फ्रेंड्स, वही सबसे पहले आएगा होता है। वो कमल वाली में सर काफ़ी अच्छे थे, वो कुछ बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे फ्रेंड। मैंने भी उनकी काफ़ी वीडियो दिखाई, आपको भी दिखाऊंगा फ्रेंड्स। वो एक अच्छा चैनल था जिसके माध्यम से कई गरीबों लड़कों को, जो कोचिंग क्लासेस नहीं ले सकते थे, उनको वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, मैं मालवीय क्लासेस से कम 2 साल से जुड़ा हुआ हूं। मेरे को आज कल भी उनका मैसेज आया, वो भी अनशन में बैठे थे। आज जो मेरे को मैसेज आया, मेरे को कुछ बुरा लगा। क्यों लगा फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि कोई आदमी और किसी चीज़ को, कोई अपने प्रॉफिट के बारे में ना सोच के किसी के स्टडी के बारे में सोच रहा है, तो वो चैनल क्या होगा आप समझ सकते हो। मैंने काफ़ी उनकी क्लासेस ली फ्रेंड्स,
एक से एक अच्छी क्लासेस ली फ्रेंड, वो SPO सब चीज़ की क्लासेस लगाते हैं, स्टडी पॉइंट था एक तरीके का। ओके फ्रेंड, उसको वापस लाइए और कुछ नहीं कहना चाहूँगा फ्रेंड। और जो भी उनकी वीडियो में उनको दिखाना चाहूँगा वो क्या बोल रहे थे। चलो वीडियो पर चलते हैं फ्रेंड।